पाकिस्तानी कुड़ी बनेगी भारत की नूह। भारत सरकार ने वीज़ा दे दिता है। 45 दिन का वीज़ा मिलने तो बाद कल 21 साल की जावेरिया खानम कल पंजाब पहुंचेगी। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर तो एंट्री होगी, जिथे उसका मंगेतर समीर खां अते उसका होने वाला सहुरा अहमद कलाम उसका स्वागत करेंगे। फिर जिस तो बाद श्री रामदास अमृतसर एयरपोर्ट तो कलकत्ता दे लई फ्लाइट फड़ के रवाना हो जाएंगे। तो इंडिया दे विच पैच तो पाकिस्तानी कुड़ी हुण भारत दी नूह बनेगी। पहला दो बार भारत सरकार दे वल्लों इसका वीज़ा जिहड़ा है उसनू खारिज कर दिता गया सी। बाद दे विच कई लोगों के वलों कोशिशा करन तो बाद 21 साल के जवेरिया खानम का वीज़ा लग गया। हुए वीज़ा 45 दिन का है। भारत दे विच जवेरिया खानम 45 दिन लई रह सकती है। इन्हां 45 दिन अंदर ही कलकत्ता विखे उसकी शादी होगी, विआह होगा मंगेतर समीर खान के नाल। दस दिए कि इस कुड़ी नू वीज़ा दवाउण दे विच मकबूल अहमद ने उन्हां दी काफ़ी मदद की। उन्हां दी कोशिश सदका दस दिए कि हुण भारत सरकार दे वल्लों वीज़ा देण तो बाद दो परिवार एक हो जाणगे। तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जवेरिया खानम अते समीर खान दी। पाकिस्तानी कुड़ी बनेगी भारत की नूह। भारत सरकार ने वीज़ा दे दिता है। 45 दिन का वीज़ा मिलने तो बाद कल 21 साल की जावेरिया खानम कल पंजाब पहुंचेगी। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर तो एंट्री होगी, जिथे उसका मंगेतर समीर खां अते उसका होने वाला सहुरा अहमद कलाम उसका स्वागत करेंगे। फिर जिस तो बाद श्री रामदास अमृतसर एयरपोर्ट तो कलकत्ता दे लई फ्लाइट फड़ के रवाना हो जाएंगे। तो इंडिया दे विच पैच तो पाकिस्तानी कुड़ी हुण भारत दी नूह बनेगी। पहला दो बार भारत सरकार दे वल्लों इसका वीज़ा जिहड़ा है उसनू खारिज कर दिता गया सी। बाद दे विच कई लोगों के वलों कोशिशा करन तो बाद 21 साल के जवेरिया खानम का वीज़ा लग गया। हुए वीज़ा 45 दिन का है। भारत दे विच जवेरिया खानम 45 दिन लई रह सकती है। इन्हां 45 दिन अंदर ही कलकत्ता विखे उसकी शादी होगी, विआह होगा मंगेतर समीर खान के नाल। दस दिए कि इस कुड़ी नू वीज़ा दवाउण दे विच मकबूल अहमद ने उन्हां दी काफ़ी मदद की। उन्हां दी कोशिश सदका दस दिए कि हुण भारत सरकार दे वल्लों वीज़ा देण तो बाद दो परिवार एक हो जाणगे। तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जवेरिया खानम अते समीर खान की।